हेलो एवरीवन दिस इज अमित वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज इस वीडियो सीरीज में ना हमने पहले दो टॉपिक समझे हैं पहला था चूजिंग ट्रेनिंग एक्सपीरियंस सेकंड वन इज चूजिंग द टारगेट फंक्शन इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं चूजिंग द रिप्रेजेंटेशन फॉर द टारगेट फंक्शन अब ये क्या होता है हम थोड़ा देखते हैं इसको एक क्विक रिविजन करते हैं अभी तक हमने देख लिया कि टारगेट फंक्शन क्या होता है फिलहाल मुझे सिर्फ इतना पता है कि टारगेट फंक्शन को मैं एक इनपुट दूंगा वो कुछ भी प्रोसेसिंग करेगा फिलहाल मुझे नहीं पता वो क्या प्रोसेसिंग करने वाला है बट वो मुझे आउटपुट ला कर देगा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ फॉर एग्जाम्पल आपको टारगेट फंक्शन डिज़ाइन करना है जो कि आपको हाउस का प्राइस प्रडिक्ट करके देगा तो आप उसको हाउस फ़ीचर्स बताएंगे हाउस फीचर्स यानी कि आपको कितना स्केयर एरिया में चाहिए हाउस उसमें बेडरूम्स कितने होने चाहिए उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए तो बेस्ड ऑन दीज फीचर्स ये हाउस का प्राइस प्रडिक्ट करेगा ये टारगेट फंक्शन बट फिलहाल मुझे नहीं पता ये कैसे प्रडिक्ट करेगा वैसे ही आप कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो टारगेट फंक्शन का कि आपको चेस मूव के लिए प्रडिक्ट करना है तो आप उसको चेस बोर्ड की करंट स्टेट बताओगे कि मैं यहाँ पर अभी सब मेरे जो मूव्स है वो इधर है उसके बेसिस पे वो आपको ऑप्टिमल मूव बताएगा तो इतना हम बात कर चुके हैं टारगेट फंक्शन क्या काम करता है अब इस वीडियो में ना जो रिप्रेजेंटेशन है टारगेट फंक्शन का वो ये बताता है कि एक्चुअली में टारगेट फंक्शन काम कैसे करता है कौन कौन से तरीके हैं जिससे टारगेट फंक्शन ये सब कैलकुलेट करता है तो हमारे पास ये चार टाइप के फ़िलहाल हैं इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं बट ये कुछ बेसिक्स हैं ये रिप्रेजेंटेशन है रिप्रेजेंटेशन मतलब कैसे मैं उसको इनपुट दूंगा और वो कैसे उस इनपुट से आउटपुट मुझे कैलकुलेट करके देगा इसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं तो यहाँ पर कुछ बेसिक्स है सबसे पहला हो सकता है टेबल बेस्ड रिप्रेजेंटेशन रूल बेस्ड रिप्रेजेंटेशन लीनियर रिप्रेजेंटेशन या फिर न्यूरल नेटवर्क जो कि कॉम्प्लेक्स मॉडल में आता है जिसको हम आगे आने वाली वीडियोज में भी कवर करेंगे तो फिलहाल क्या समझना है टारगेट फंक्शन रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि अब हम टारगेट फंक्शन को थोड़ा क्लोजली देख रहे हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को देख रहे हैं एक्चुअली कैसे वो आउटपुट को कैलकुलेट करता है और ये चार तरीके हो सकते हैं जिसमें से हम तीन तरीकों पे बात करेंगे जिससे आउटपुट जनरेट कर सकता है टारगेट फंक्शन सबसे बेसिक और पहला है टेबल बेस्ड रिप्रेजेंटेशन मान लो कि आपका जो टारगेट फंक्शन है वो क्या है वो टेबल बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है यानी कि आप उसको हाउस फीचर दोगे अभी इसमें मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ हाउस फीचर हाउस फीचर क्या क्या हो सकते हैं आपको कितना एरिया में घर चाहिए कितने बेडरूम्स हैं या फिर उसकी लोकेशन क्या है ये सब फीचर्स हैं उसके बेस पे आपको टारगेट फंक्शन बताएगा कि आपके घर का प्राइस कितना हो सकता है और फिलहाल जो टारगेट फंक्शन है वो क्या है हमारा टेबल बेस्ड है अब देखते हैं कि टेबल बेस्ड कैसे कैलकुलेट करता है तो इसके लिए ना हम एक एक्चुअली में हमारे पास टेबल होती है इस टेबल में ये जो तीन कॉलम है इनको हमें इनपुट बोलता हूँ या फिर आपको इनको फीचर आप बोल सकते हो और जो लास्ट कॉलम है उसको हम आउटपुट कॉलम बोलते हैं तो ये फंक्शन काम कैसे करता है देखिए मेरे पास ना हर एक एंट्री होती है जैसे कि अगर कोई यूज़र पूछ रहा है कि देखो भाई मुझे ना 1200 सौ स्क्वेयर फीट का एरिया चाहिए तीन उसमें बेडरूम होने चाहिए लोकेशन डाउन टाउन होने चाहिए तो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर आपको ऐसी कुछ कन्फिग्रेशन चाहिए तो आपको साढ़े तीन लाख डॉलर पे करना पड़ेगा वही फिर दूसरा यूज़र कहता है यार देखो मुझे अठारह सौ स्क्वेयर फीट तीन बेडरूम और कंट्री साइड चाहिए मैंने कहा आपको तीन लाख डॉलर क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा तो ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है और इसके अकॉर्डिंग ही मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ मैपिंग कर रहा हूँ यूज़र अगर इस फीचर को चाहिए तो उसको इतना प्राइस पे करना पड़ेगा यूज़र को अगर ये फीचर चाहिए तो उसको इतना प्राइस पे करना पड़ेगा तो सिंपल ये टारगेट फंक्शन क्या करता है यूजर जो भी फीचर बताएगा वो उनको मैच करता है यहाँ पर अच्छा इस इससे मैच कर रहे हैं तो इतना प्राइस हो गया तो देखिए कितना सिंपल है आपके पास एक डायरी है और आप जो भी यूजर पूछ रहे हैं आप उसको चेक कर रहे हो अच्छा ये यहाँ पर लाइक कर रहे हैं आपने डायरेक्टली बता दिया दे देखो इसका इतना प्राइस बन रहा है बट इसमें एक प्रॉब्लम है हो सकता है कि यूजर की जो पूछ रहा हो उसकी एंट्री नहीं है इसका मतलब क्या है आपको बहुत सारी एंट्रीज करनी पड़ सकती है कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन पूछ सकता है तो ये मेमोरी इंटेंसिव है बहुत ज़्यादा मेमोरी इसको चाहिए बट बहुत ही सिंपल है इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि टारगेट फंक्शन काम कैसे कर सकता है ये सबसे बेसिक और सिंपल है टेबल बेस्ड रिप्रेजेंटेशन अब बात चलते हैं रूल बेस्ड की रूल बेस्ड में क्या होता है ना हम हमारे पास ना कुछ रूल्स हम पहले से बना लेते हैं देखो मैंने रूल बनाया हुआ है रूल कैसे है ये सब टारगेट फंक्शन करेगा रूल कैसे है मैंने कहा एक हजार स्क्वेयर फिट के बाद हर सौ स्क्र फिट के लिए मैं टेन थाउजेंड्स को इंक्रीज कर दूंगा टेन थाउजेंड डॉलर को इंक्रीज कर दूंगा या फिर आप कह रहे हो कह रहे हो कि दो बेडरूम के पास अगर आपको कोई एक्स्ट्रा बेडरूम चाहिए हर बेडरूम का मैंने क्या किया है पंद्रह हजार डॉलर एक्स्ट्रा किया है बेस प्राइस पे अगर लोकेशन डाउनटाउन है तो मैं पचास हजार एड कर दूंगा अगर लोकेशन सब अर्बन है तो मैं थर्टी थाउजेंड एड कर दूंगा कंट्री साइड है तो मैं कुछ भी एड नहीं करूंगा तो ये रूल्स है जिसके बेसिस पे टारगेट फंक्शन कैलकुलेट करेगा आउटपुट एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि ना मुझे साइज एरिया है अठारह सो स्क्र फिट हाउस में बेडरूम होने चाहिए तीन लोकेशन है डाउन टाउन क्या है टू ऑलरेडी दिया हुआ है अब बात करते हैं साइज एडजस्टमेंट की देखिए साइज साइज मैंने क्या बताया था हर दस हजार पे दस हजार स्क्वेयर फिट के बाद आप हर सौ स्क्केयर फिट का कितना चार्ज करना है टेन थाउजेंड तो देखिए यहाँ पर मैं माइनस करूँगा आठ सौ तो आठ सौ के हिसाब से आठ सौ स्क्येयर फिट ज़्यादा हुआ तो मुझे मैंने कितना चार्ज किया यहाँ पे अस्सी हजार वैसे ही मैंने कहा था दो बेडरूम के बाद अगर आप एक बेडरूम बढ़ाते हो तो हर बेडरूम पे पंद्रह हज़ार तो एक बेडरूम बढ़ाएं क्योंकि तो थ्री बेडरूम चाहिए तो पंद्रह हजार वैसे ही लोकेशन अगर डाउन टाउन मांगिए तो मैं पचास हज़ार इंक्रीज करूंगा तो आप इनको प्लस कर सकते हो और आपको फाइनल हाउस प्रोडिक्शन मिल जाएगा और यही ऐसे ही काम करता है रूल बेस्ड रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो टारगेट फंक्शन रूल बेस्ड होगा वो इन थ्री रूल्स को चेक करेगा उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर देगा ये बहुत ही सिंपल और बिल्कुल एक बेसिक मेथड आप बोल सकते हो अब थोड़ा सा बात करते हैं जो एक्चुअली में इंप्लीमेंटेशन होता है मशीन लर्निंग में वो है लीनियर रिप्रेजेंटेशन लीनियर रिप्रेजेंटेशन एक इक्वेशन लिखा हुआ है एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन लाइन इक्वेशन अब देखिए ये जो वाई है ना ये क्या है ये आपका हाउस प्रोडिक्शन है जो आपका प्राइस है ये वाई है आउटपुट है आपका एक्स, वन क्या है, एक्स टू क्या है ये हाउस के फीचर्स हैं है ना अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये जो वाई क्या है ये वाई है प्राइस जो आपको कैलकुलेट करना है और एक्स वन क्या हो सकता है एक फीचर हो सकता है जैसे कि साइज इन एरिया स्क्र फिट एक्स टू क्या हो सकता है नंबर ऑफ बेडरूम वैसे ही एक्स एन तक आप कितने भी क्या कर सकते हो फीचर्स को एड कर सकते हो तो एक्स वन एक्स टू समझते हो वाई भी समझते हो अब ये डब्ल्यू क्या है और ये बी क्या है ठीक है अब देखिए जो डब्ल्यू है ना डब्ल्यू क्या होता है वेटेज होता है डब्ल्यू टू भी वेटेज है अब वेटेज का मतलब क्या है अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मुझे बताइए आपको ना घर के लिए जमीन खरीदना है अब जब हम इंडिया में हैं तो हम चाहते हैं कि ना कोई अच्छी लोकेशन हो मेट्रो सिटी हो बेंगलोर में हम घर खरीदना चाहते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि बेंगलोर में अगर आप सौ uh, so गज का भी आप अगर प्लॉट लेते हो हंड्रेड स्क्वायर गज का प्लॉट लेते हो वो कम से कम करोड़ से ऊपर पड़ेगा आपको तो वहां पे प्रॉब्लम क्या है वहां पे वेटेज ज्यादा किसका है वेटेज ज्यादा है लोकेशन का अगर वही सौ गज आप किसी अपने गांव में जाके लीजिए तो सौ गज की जो वैल्यू है बहुत ही कम होगी एक करोड़ के बजाय तो आप क्या बोलना चाह रहे हो आप, आप, आपने बोला कि सर लोकेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है वहां पे बेंगलोर को लोकेशन अच्छी है वहां पर लोग जॉब करने आते हैं वहाँ पर डिमांड बहुत ज्यादा है बट गाँव में सौ गज की कोई वैल्यू नहीं है इसका मतलब क्या है लोकेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है लोकेशन का बहुत बड़ा वेटेज है तो ये जो W1, W2 है ना ये क्या है ये वेटेज को डिपेंड कर रहे हैं वेटेज को डिफाइन कर रहे हैं कि इस फीचर का वैल्यू कितना है इस फीचर का कितना इम्पैक्ट होता है तो साइज क्या है स्कयर फीट में है यहाँ पर नंबर ऑफ बेडरूम क्या है हमारे पास ये हो गया फीचर्स डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू आर क्या है वेट्स है जो डिटरमिन करते हैं कि हर एक फीचर का वैल्यू कितना है जैसे मैंने कहा लोकेशन है तो लोकेशन का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा उसका इम्पैक्ट उसका वेटेज बहुत ज्यादा होगा जिससे कि क्या है वो प्राइस को प्रडिक्ट कर पाएगा और ये बी क्या है बी एक बेस प्राइस होता है यानी कि अगर ये जीरो हो भी गए तब भी हमारे पास क्या रहेगा बेस प्राइस तो रहेगा ही रहेगा ओके अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे आपने कहा कि आपने बोला कि एक साइज इतना है साइज कितना है आपने कहा मुझे पंद्रह सौ स्क्वेयर फीट में थ्री बेडरूम चाहिए

और आपको आउटपुट मिला अब आपको पता है कि ये टारगेट फंक्शन कैसे काम कर रहा है आपने जो भी फीचर दिए यहाँ पर x1 में x2 में वो चले गए और उनके अकॉर्डिंग आपने डब्लू टू और w2 को वेट्स प्रोवाइड कर दिए अब ये वेट्स कहाँ से पता लगेंगे कितना वेट्स करना है हमारे पास ना डेटा बहुत सा पहले से होता है हम उसको ट्रेन करते हैं आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे ट्रेनिंग करते हैं तो ये जो टारगेट फंक्शन है ना ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ही सीख जाता है कि कितना फीचर्स को कितना वेटेज करना है एक आपके बुक में एक एग्जाम्पल होगा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर ये एक्स वन ब्लैक पीसीज ऑफ बोर्ड ये क्या है ये बोर्ड की इनपुट है कि आपका फिलहाल चेस बोर्ड या कोई भी जो गेम है ये कहाँ पर है ये x1, x2, x3, x4, x6 एक्स फोर ये क्या है ये फीचर्स हैं और इनके साथ में जो वेटेज लगे हुए हैं ना ये बता रहे हैं कि हर एक जो नंबर है जैसे कि ब्लैक पीसीज की उसका वेटेज कितना है तो जिस जिस मूव का जितना वेटेज ज्यादा होगा वो उसको उतना ही हमें सिक्योर करना पड़ेगा ओके तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आगे आने वाली वीडियोज में हम नेक्स्ट टॉपिक्स भी सीखेंगे तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग